भाजपा नेता व पागवाड़ा के पूर्व चेयरपर्सन के पुत्र द्वारा वर्तमान चेयरमैन के साथ फोन पर गाली गलौज व धमकी देने से संबंधित ऑडियो वायरल होने के बाद जहां चेयरमैन का परिवार भयभीत दिखाई दे रहा है, वहीं क्षेत्रीय जनता में इसको लेकर रोष व्याप्त है। अध्यक्ष नगर पंचायत पागवाड़ा मोहम्मद याकूब की पत्नी रेशमा ने सोमवार को अपने पति व क्षेत्रीय जनता के साथ जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात करके एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पागवाड़ा से गत निकाय चुनाव में भाजपा नेता राम रक्ष पाल उर्फ रिंकू गोस्वामी वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद याकूब के मुकाबले चुनाव हार गया था। उसकी माता पूर्व में पागवाड़ा की चेयरपर्सन रही थी। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि सियासी रंजिश के चलते रिंकू गोस्वामी ने गत 9 अक्टूबर को सरफराज पुत्र अकरम निवासी पुराना थाना पागवाड़ा के मोबाइल नंबर से वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद याकूब को फोन पर धमकियां दी और गाली गलौज की तथा ऑडियो भी वायरल कर दी। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भी रिंकू गोस्वामी द्वारा भेजे गए, जिससे उनका परिवार डरा और सहमा हुआ है और क्षेत्रीय जनता में इसको लेकर रोष व्याप्त है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए हस्तक्षेप करके रिंकू गोस्वामी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई है। जी, क्या मामला रहा? डीएम साहब मिले हमें और उनके सामने हमारे परिवार ने और हमने पूरी तरीके से अपनी बात रख ली है और उन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ सख्त कानून सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरा आश्वासन दिया है कि हमें न्याय मिलेगा और हमें उम्मीद है कि नगर पंचायत पागुड़े का माहौल भी डीएम साहब की मेहरबानी से बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। और आज हमें डीएम साहब से मिल करके लगा कि हाँ, वाकई में हमारी जो है बात को ध्यान दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पंचायत पागुड़ा का माहौल भी सुधरेगा और आगे इस तरह के जो लोग हैं उन पर अंकुश भी लगेगा। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हमने कार्रवाई चाहते हैं नगर पंचायत के नगर पंचायत पागुड़े के पूर्व चेयरमैन के बेटे रिंकू राजपाल राम रक्षपाल सिंह उर्फ रिंकू, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो मैं आज की तारीख में नगर पंचायत पागुड़ा का चेयरमैन हूँ अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया और बदतमीजी करी, मुझे धमकी दी और मारने की भी धमकी दी, बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे कि एक पागुड़े के अंदर रोष है। उस चीज़ को देखते हुए हम डीएम साहब के पास आए हैं और अपनी बात हमने रखी है। हमें उम्मीद है कि हमारी बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा प्रार्थना पत्र के साथ आपके द्वारा ऑडियो क्लिप भी दी गई है? जी, ऑडियो क्लिप भी दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा है वो भी दिया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी एक पन्नी जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन की रोकथाम को लेकर के एक अभियान चल रहा है नगर पंचायत पागवाड़ा में, उसमें भी वो हस्तक्षेप करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी दुकान पर मत जाओ, उसकी दुकान पर मत जाओ,